दोस्तों ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप लोगों का हमारे इस YouTube चैनल शिवा एस्ट्रोलॉजी पर। अगर आपके घर में लगा है शमी का पौधा तो ये गलती कभी मत करना। दोस्तों शमी के पौधे में ये गलती कभी मत करना। अगर आपके घर में लगा है शमी का पौधा तो ये जानकारी आपको जरूर जान लेनी चाहिए। इस वीडियो को एक बार पूरा जरूर देख लेना चाहिए, कहीं आप शमी के पौधे के साथ ये गलतियाँ तो नहीं कर रहे। पढ़ सकते हैं लेने के देने, शनि ग्रह अत्यंत क्रोधित हो सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले, जानकारी बताने से पहले आपसे एक छोटी सी विनती है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, क्योंकि बाद में आप लाइक करना और शेयर करना भूल जाते हैं। इसलिए लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में लिखें जय शनिदेव, सदा आपकी जय हो। दोस्तों शनिग्रह को न्यायाधीश का दर्जा प्राप्त है, इसलिए जब शनि की महादशा आती है तो बनते काम भी बिगड़ने लगते हैं। आपको बता दें कि शनि देव का अस्थायी रूप से शमी के पौधे में वास होता है। शमी का पौधा घर में लगाने से शनि देव प्रसन्न होते हैं और उस व्यक्ति को राहु केतु शनि ग्रह के बुरे प्रभावों से बचाव मिलता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शमी का पौधा घर में यूं ही नहीं लगाया जाता। इस पौधे को घर में लगाने से पहले कुछ बातों का ध्यान जरूर रखें। तो आइए शुरुआत करते हैं। दोस्तों नंबर वन, अगर नियमित शमी के पौधे की पूजा की जाए, सरसों के तेल का दीपक नियमित तौर पर जलाया जाए तो शनिदोष और वास्तु दोष बहुत जल्द दूर हो जाते हैं, साथ ही पितृदोष दूर हो जाता है। धीरे धीरे उस घर में खुशियां आ जाती है, धन दौलत सब कुछ हासिल हो जाता है और कर्ज भी उस व्यक्ति के ऊपर नहीं होता। आप यकीन नहीं करेंगे, मैं भी शनिदेव की आराधना और पूजा करता हूँ। जो व्यक्ति सच्चे दिल से शमी की पूजा करता है तो शनिदेव उस व्यक्ति का कभी भी बुरा नहीं करते, वो व्यक्ति हो जाता है धन दौलत से माला माल, शनिदेव बहुत खुश होते हैं। दोस्तों नंबर दो, शमी का पौधा घर पे लगाने से घर से नकारात्मक प्रभाव दूर हो जाते हैं। आप मानो या ना मानो, अगर किसी दुश्मन ने आपके घर के टोने टोटके अगर किए हैं या फिर किए होंगे तो शनिदेव उसका नाश कर देते हैं। ऐसे में आपके घर में कोई भी बाहर का व्यक्ति टोना टोटका नहीं कर सकता, भूत बाधा सब भाग जाते हैं, दुश्मनों से परेशानी नहीं रहती और दुश्मन से परेशान व्यक्ति को शमी के पौधे की विशेष पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने पर दुश्मनों पर विजय प्राप्त होती है और ये 100% सही है, क्योंकि भगवान राम ने रावण से युद्ध करने से पहले शमी वृक्ष की पूजा की थी और मांगा था वरदान कि रावण से विजय प्राप्त हो, और इसी के चलते शमी के पौधे की मन्नत का पौधा भी इसे कहा जाता है। दोस्तों नंबर तीन, शनिदेव अत्यंत क्रोधी देवता है। इनकी पूजा पाठ में छोटी सी गलती होने पर इन्हें क्रोध आ जाता है और जब शनिदेव प्रसन्न होते हैं तो व्यक्ति को राजा बनते हुए देर नहीं लगती। ऐसे में अगर आपके घर में शमी का पौधा लगा है तो ये गलतियां करने से बचें। कई लोग जाने अनजाने में पौधे को गलत दिशा और गलत जगह पर रख देते हैं, जिससे उस व्यक्ति के बर्बादी का कारण बनता है, साथ ही मृत्यु के भी कारण बन सकते हैं। जैसे कि इस पौधे के पास ठीक नाली नहीं होनी चाहिए, कूड़ा कचरा गंदगी मिट्टी जो गंदी वाली मिट्टी है उसके आसपास नहीं होनी चाहिए। जब भी आप पौधे को लगाएं तो उसमें गोबर खाद ही लगाएं और साफ मिट्टी का इस्तेमाल ही करें, केमिकल का इस्तेमाल भूल से भी ना करें। जो व्यक्ति ऐसी गलती करता है वो सीधे तौर पर बर्बादी उसके घर में शुरू हो जाती है, ऐसे घर पर आ जाती है गरीबी और दरिद्रता। और जो लोग शमी के पौधे को केयर बहुत अच्छे से करते हैं तो उस घर में धन दौलत का अंबार लगता है, शनिदेव भी उस व्यक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं। दोस्तों नंबर चार, कहाँ लगाएं शमी का पौधा और कहाँ नहीं। शमी का पौधा आप अपने बगीचे पे लगा सकते हैं, गमले में भी लगा सकते हैं और बालकनी में भी लगा सकते हैं, द्वार पर भी लगा सकते हैं। सवाल ये होता है कि वहाँ पर साफ सफाई होना जरूरी होता है। शमी के पौधे को आप घर से निकलते समय ऐसी दिशा में लगाएं कि जब भी आप घर से बाहर निकलें तो ये आपके दाहिने हाथ की तरफ हो और उसी दिशा में इस पौधे को लगाएं। शमी के पौधे को छत पर भी लगा सकते हैं, छत पर इस पौधे को आप दक्षिण दिशा में रखने की कोशिश करें। अगर रोशनी नहीं आती तो आप इसे पूर्व दिशा पर भी ईशान कोण पर भी लगा सकते हैं। दोस्तों नंबर पाँच, पूजा में सरसों का तेल और पूजा के सरसों का तेल यानी दीपक इसके नीचे जला सकते हैं। शमी के पौधे में आप सरसों का तेल का यूज कर सकते हैं, घी का है तो अच्छा है। इससे जो शनिदेव को चढ़ता है आप इसी सरसों के तेल का आप यूज करें, यानी कि जैसे पूजा में सरसों के तेल का यूज करते हैं तो सरसों के तेल का दीपक इसके नीचे जरूर जलाएं। रोज शाम को एक
दीपक जरूर जलाएं। दोस्तों, घर पर तेल नहीं है तो घी जलाएं, या फिर आप चाहें तो नहीं है तिल का भी तेल जलाएं, लेकिन कोशिश करें सरसों का तेल, क्योंकि शनिदेव को अत्यंत प्रिय है सरसों का तेल। तो शनि के पौधे के पास दीपक जरूर जलाएं, यही काम आपको करना है। और दोस्तों, सारा तेल जल जाए और पूरी, अगर आप शाम को डाल रहे हैं तो शाम को यानी कि रात्रि भर जले। सरसों के तेल को आप यानी अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं, अपने सामर्थ्य के हिसाब से, ताकि उसी मात्रा में जले जिस मात्रा से आपने सरसों का तेल लिया है। शनिवार के दिन शनिदेव को समर्पित है, इसलिए इन्हें जो तेल चढ़ाया जाता है उसका भी दीपक बनाकर आप जरूर चढ़ा सकते हैं, इससे भी विशेष लाभ होगा। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी जानकारी शमी के वृक्ष के बारे में। दोस्तों, जो लोग भगवान शनिदेव का आशीर्वाद पाना चाहते हैं, उस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को भी शेयर करें। कमेंट में लिखें जय शनिदेव, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय शनिदेव।